अभी बात करते करते पता चला कि ये क्यों पासपोर्ट मांग रहे थे भाई। वही बात हुई ना पहली वाली, हैस कोड जिसका मैं बोला था। लोग हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है, ऊपर हैं, दूर से नजर नहीं आ रहे थे, पर चलते हैं ऊपर। अरे भाई टिकट देख रहा था अच्छी तरह, जब मैंने इसको ऐसे करके देखा तो इसमें 70 लीरा थी टिकट, जो कोविड के कारण इन्होंने 100 लीरा कर दी हुई है, बिकॉज ऑफ इसलिए कि पीपल ज़्यादा नहीं आ रहे और आई थिंक खर्चा खुर्चा ज़्यादा होगा यहाँ का, इसलिए इन्होंने कोविड के कारण थोड़ी सी फीस भी बढ़ाई हुई है। टिकट सभी कहीं पर ज़्यादा है अभी, बसेस की भी ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पर भी ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे बैठ सकते, इसलिए 50 से 60% बस ही भरती है और टिकट उनसे ज़्यादा ली जाती है ताकि पूरे बस का किराया निकल सके। तो ऐसे ही सभी का कहीं जगह पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी कोविड के कारण टिकटें जो थी उसे 20 से 30% तक उन्होंने बढ़ा दी हुई है ताकि कि उसका खर्चा निकल सके। तो ये भी टिकट का 70 लीरा से टिकट जो उन्होंने थोड़े थोड़े छोटे स्टिकर लगाए हुए हैं 70 के ऊपर 100 के, तो ये कुछ था। ओ वाह यार, ये देखो भाई सामने एफएसएस द ग्रेट। तो भाई इसको ऊपर चलता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ क्या सिस्टम है सारा जहाँ के। और ये इनकी जो दीवारें बनी हुई हैं, चलते हैं ऊपर यार, ऊपर चढ़ना है, बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैंने थोड़ा पढ़ा था इसके पहले इसकी फ़ोटोज़ भी देखता होता था जब मैं 12th में था, पढ़ता था स्कूल में, तो इसके बारे में काफ़ी मैंने पढ़ा था, तो इसकी फ़ोटोज़ देखता होता था मैं जो बुक्स में, तो जो रोमन और ग्रीक के बनाए हुई चीज़ें थी, तो बड़ा तमन्ना थी जाने की पहले इन जगहों पर। बस सोचता था कहाँ जाऊँगा यार इतना दूर भी लाइक, पर आज वो चीज़ सच हो गई, मैं पहुँचा हूँ खुद ही यहाँ पे, मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा। ऊपर जल्दी जल्दी से पहुँचूँ, थोड़ी सी फ़ोटो सेशन करूँगा, फ़ोटो क्लिक्स करूँगा अपनी और वीडियोस बनाऊँगा थोड़ी सी क्लिप्स के अपने स्नैपचैट के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। हाँ फिर बोल दूँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा भाई, इंस्टाग्राम पेज का नेम है जो मेरा ट्रैवल देसी बॉय, और स्नैपचैट है जो मेरा अरुण शर्मा 1818, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा। तो यहाँ पे तो वीडियो काफ़ी लेट आती है यूट्यूब पर मोस्टली मैं इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे स्टोरीज डालता ही रहता हूँ, आप चाहो तो उधर भी देख सकते हो, जा करके फॉलो कर लेना, कोई इशू नहीं है। वाह यार सही है भाई, सही है। चलिए भाई नीचे से आपको व्यू, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ऊपर तक जाऊँ, बट आई थिंक इन्होंने ना कोई काम चला रखा है, ऊपर जाना अलाउ नहीं है, बिकॉज देखिए फेंस लगी हुई है सारी साइड पे, तो आई थिंक यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, तो इधर ही थोड़ा इन्होंने रखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ऊपर जाऊँ और आपसे ऊपर से थोड़ा व्यू दिखाऊँ, काफ़ी जगह है इधर देखने के लिए, मैं इधर दिखा कर बाद में उधर की तरफ भी चलता हूँ, तो आपको उधर भी दिखाता हूँ कुछ। क्यों भाई देखा है कि नहीं गजब, चलिए भाई इधर तो थोड़ा हो गया, अब नीचे जाता हूँ, एक उधर की तरफ ही कुछ बना हुआ है वो भी एक बार देखें। ओ यार सॉरी मैंने मास्क नहीं डाला, ये ना हो कि फाइन पड़ जाए, मास्क ज़रूरी है यहाँ पे। मास्क पहन लो, चलिए चलते हैं दूसरी तरफ, निकले वहाँ पे भी।
काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, कोई किसी जगह पे है, कोई किसी जगह पर, सभी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। पर काफ़ी बड़ा इलाका है ये एक्सप्लोर करने के लिए भाई, पूरा दिन निकाल के आना, आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये देखिए कोने कोने में काफ़ी लोग हैं। ये बंद किया हुआ रास्ता इधर से भी कुछ था ऊपर, बट अभी ये इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से ये देखिए इसको कैसे इन्होंने खड़ा किया हुआ है। जब पत्थर निकल रहे थे बाहर को, अब इनकी रिपेयर चल रही है। तो ये आई थिंक कोविड के कारण ही इसका थोड़ा फ़ायदा भी हो गया, लोग भी कम आ रहे, थोड़ा बंद था तो ये इनको रिपेयर करने का टाइम भी मिल गया। वो चलते हैं उधर की तरफ। वाह यार उधर वो जाने वाली जगह है, एक बड़ी सही है, वो भी उसकी भी पिक्चर्स काफ़ी आपने देखी होंगी। अभी जहाँ पे जा रहा हूँ मैं दूर से मुझे पता लग गया काफ़ी लोग हैं वहाँ पे भी, तो चलते हैं उधर भी। जगह की मैं बात कर रहा था आपको वो ये है जिसकी पिक्चर्स काफ़ी बुक्स में हैं, सब कहीं हैं। ये देखिए भाई मेरे सामने, वाह क्यों भाई, ये सारा बना हुआ है। अभी ज़्यादा तो थे लोग हैं, जा सकते हैं आई थिंक उधर तक, तो मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। क्या बात है यार, सही में यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये भी भाई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको जगह मिली हुई है, तो कमाल है यार। ओ वाह यार, रोमन्स और ग्रीक्स का था यह सारा सिस्टम यहाँ पे, तो वो ही रहते थे वहाँ पे। कैसे पहाड़ों में यार उन्होंने जगह ढूंढी हुई थी, बीच साइडों पे सारे पहाड़ हैं, बीच में ये जगह ढूंढी थी उन्होंने रहने के लिए अपने, जो भी उनका जो सिस्टम होता था सारा। तो ये देखिए यार क्या बात है, चलिए भाई यहाँ तो देख लिया, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, अंदर देखते हैं क्या है। वाह यार है ना जगह ये कमाल की, सही में यार बड़ी चीज़ें हैं घूमने के लिए यहाँ पे, बस टाइम होना चाहिए आपके पास, तो आपके घूमने के लिए कोई कमी नहीं है जगह की यहाँ पे। चलो इधर की थोड़ी सी मैं पिक्चर्स ले लूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी, फिर निकलते हैं दूसरी तरफ, इधर भी कुछ है तो वो हमें भी निकलते हैं। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लिखा क्या हुआ यहाँ पे, पर लैंग्वेज सारी जो लिखी हुई ग्रीक लिखी हुई है, और ग्रीक लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आती है। देखिए अगर आप में से कोई देख रहा है इसको पता है क्या लिखा हुआ है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कहाँ लिखा हुआ है, इनसे मुझे नहीं पता। ये सारी ऊपर भी ग्रीक लैंग्वेज लिखी हुई है, ये सारी ग्रीक लैंग्वेज है, और पता नहीं मुझे अब क्या है ये। पेट्रोनास थोड़ा बहुत इंग्लिश में था, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये कुछ सब कुछ नहीं पता ये क्या लिखा हुआ। वाह यार और वो सामने भी कुछ लिखा हुआ है सारा, कैसे पहाड़ बने हुए हैं, ब्यूटी देखो यार इस इलाके की ब्यूटी। चलिए इधर चलता हूँ और उसके बाद इधर से लेके फिर बाद उधर भी है सामने सारा आगे की तरफ, उधर देखता हूँ है क्या। पहले इधर देखाते हैं फिर आपको बताता हूँ। जो मैंने अभी पढ़ रहा था जो आपको पहले मैंने बताई थी ना, उधर जो जो कितनी बड़ी लोगों के बैठने वाली जगह थी, जो
एफएसएस में उधर ही, तो वहाँ पे सारे लोग बैठते थे और नीचे जो जहाँ पे मार्बल नया पड़ रहा था वहाँ पे सभी के सभी फाइट्स होती थी, और दूसरी तरफ महाराजा जो उनके बड़े होते थे वो भी बैठते थे सारे, और वो फाइट्स देखते थे कि रोमन्स ग्रीक्स जो भी आए थे यहाँ पे उन सब की। तो वाह यार ये भी काफ़ी कुछ बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी कुछ इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, जिस सारा किसी ने तोड़ दिया था आई थिंक, तो डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है पर काफ़ी हद तक अभी भी इसको संभाल के रखा हुआ है। अभी रिकंस्ट्रक्शन चल रही है सारी, फिर दोबारा से सही कर देंगे इसको। बट बिल्लियाँ बड़ी है यार यहाँ पे, ये तुर्की में एक चीज़ तो है भाई, बंदे मुझे कम नज़र आए, बिल्लियाँ मुझे ज़्यादा नज़र आई, ये अभी भी मेरे पास घूम रही, डरती भी नहीं है। ये डरती भी नहीं है यार, ये पकड़ भी लो इसको भी कुछ नहीं बोलेगी। चलिए थोड़ा चारों तरफ से राउंड एक लगाता हूँ, देख लो भाई। मौसम भी ठीक है, इतना ठंड नहीं है ज़्यादा, पर ठीक है फिर भी बढ़िया है। तुर्की का मौसम तो यार होता ही बड़ा सही है, वो तो कहने वाली बात नहीं है, 12 महीने ही इसका मौसम सही रहता है, बस 2 महीने कुछ ज़्यादा ठंड हो जाती है जब स्नो पड़ती है यहाँ पे दिसंबर जनवरी में, वो थोड़ा फरवरी मिड तक ठीक हो जाता है मौसम। अभी मार्च है, मैं तो अभी मार्च में यहाँ पर आया था, अप्रैल तक तो हूँ अभी यहाँ पे मैं थोड़े दिन, तो बाद में देखता हूँ क्या करना है हमने। चलिए भाई ये पत्थर भी रोमन टाइम के ग्रीक टाइम के पड़े हुए हैं यहाँ पे, क्या बात है यार। चलिए ये चारों तरफ से घूम कर एक हाइपरलैप ले लेता हूँ, घूम के फिर उधर की तरफ जाता हूँ जो पीछे आपको दिखाया था, उधर की तरफ पहले एक घूम के सारा जाना तो है ही, एक घूम करके हाइपरलैप ले लेता हूँ, सब एक अच्छा सा व्यू आ जाएगा, फिर चलते हैं उधर की तरफ भी। जाते जाते यार एक रास्ता इधर को मुड़ा है, तो ये क्या है यार, देखा मैंने ये चलता यार, देख कर जरा 2 मिनट देख रहा हूँ, नहीं तो फिर घूम कर आना पड़ेगा वापस। तो ये रास्ता जा रहा है एक इधर को, देखता हूँ इधर है क्या, अगर कुछ खास ना हुआ तो वापस आ जाऊँगा, तो पहले देख आता हूँ है क्या वहाँ पे। टाइम कितना हो गया, अभी तो 5:15 हुए हैं, बहुत टाइम पड़ा, आराम से पहुँचेंगे घर होटल। तो थोड़ा दिमाग है इन लोगों का यार, मानना पड़ेगा, तो अपने दिमाग के कारण ही, और टेक्नोलॉजी उस वक्त भी थी इनके पास, ऐसी नहीं है कि अभी या इनको अभी इनको पता है, टेक्नोलॉजी उस वक्त भी इनके पास ही थी, जो चीज़ें वो तब बना देते थे पूरा वर्ल्ड हैरान था कि ये कैसे बना देते थे। तो भाई सलाम है उन लोगों को जिन लोगों ने ये चीज़ें बनाई है, तो बड़ा कुछ बना यार ये देखो। वाह सही है, नहीं एक व्यू तो बनता है, एक फ़ोटो खींचना बनता है, जाओ कर इधर से हाइपरलैप्स में। चलो थोड़ी देर कैमरा बंद कर लूँ पहले फ़ोटो खींच के, फिर उधर लैपटॉप को ले चलता हूँ। भाई एक बात तो है, टर्किश गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी संभाल के रखा हुआ, अभी सारी की सारी दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर कर रही है, तो इसको सारा कुछ सही कर रही है वो दोबारा से इसको। बस मैं निकल गया था, वापस जाऊंगा अभी इधर कोई उधर के रास्ते जा करके देख लेता हूँ वो भी। तो क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ काफ़ी संभाल कर रखा यार, और इसका सारा जो टोटली इसको मैनेज कर रही है वो एक संस्था थी, इसको पीछे मैंने पढ़ा नहीं है, है टर्किश गवर्नमेंट के अंडर ही वो भी, बट वो इसको सारा कुछ दोबारा से इसको रिपेयर कर रही है, तो दोबारा से इसको पब्लिक के लिए वो बनाएगी, बिकॉज ये तो तुर्की में हेरिटेज जगह है, तो इसको तो इनको संभाल के रखना ही होगा। बट बढ़िया यार जो भी है सही है। तो जो मैं आपको ये चारों तरफ से घूम कर बताया था ना आपको, ये मार्केट थी इनकी, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है ये सारा, ये जो मैं घूम रहा था अभी ये सारी मार्केट है। तो नाम इसका था टेट्रागोनोस एगोरा द कोमेरिकल मार्केट, तो जो इन्होंने बताया हुआ है सारा, द कोमेरिकल मार्केट वाज ऑलरेडी फाउंडेड इन 3rd century BC, इट्स विजिबल फ्रॉम गोज बैक एन एक्सपेंशन अंडर एम्पायर ऑगस्टस
इनटू अ स्क्वायर असेंबल साइड लेंथ 154 इनका सारा लिखा हुआ है। इनका जो गेट थे एक नॉर्थ की था, नॉर्थ द थ्री गेट्स नॉर्थ में थे और वेस्ट एंड साउथ सेंट्रल कंट्री यार्ड एंड क्लोज इन ऑल साइड ऑफ टू एल साइड टू स्टोरी हाउस एंड बिजनेस। ये सारी यार मार्केट थी। सिंपल में दो शब्दों में बात ख़त्म करूं तो ये सारी चारों तरफ से जो घूम रही है ये सारी की सारी मार्केट थी और इसमें शॉप्स थी, जैसे टूटे पत्थर हैं पहले शॉप्स ही वगैरह थी जो आज आप सारा ख़राब हो चुका है सारा, बट ये सारी मार्केट थी। लोग आते थे यहाँ पे, इसके गेट्स थे दो गेट उधर थे जो आपको बताया था, एक इधर का था जो मैं बोल रहा था ना आपको, ये इधर क्या है, इधर की तरफ को भी रास्ता जा रहा है। ये सारे गेट्स हैं इधर उधर को निकलने के लिए, मार्केट थी ये सारा। इधर के जो लोग थे जो रोमानियन जो ग्रीक थे वो शॉपिंग करने के लिए इसी एरिया में आते थे और ये सभी दुकानें जैसी गोल चक्कर में दुकानें लगती थी, दुकान से जो भी उन्होंने सामान बाय करना होता था वो करके और वापस चले जाते थे। तो मेन बाज़ार था ये भाई यहाँ का। चलिए भाई चलते हैं उधर की तरफ। आ गया वापस इधर भाई, निकल करके इधर वाले एरिए से बाहर और चलते हैं वापस इधर को। अब देखते हैं इधर की तरफ क्या, यार ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं बट इन्होंने बंद किया हुआ है, ये कुछ बन रहा है। कोई बात नहीं, आई थिंक अभी नहीं ये ओपन होगा, दो तीन चार महीने तो लगेंगे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि तो आते जाते रहूँगा, कभी हुआ तो दोबारा आकर के देखूँगा ये साला बन क्या रहा है यहाँ पे। चलिए भाई चलते हैं आगे। वाह ये देखो भाई, चलिए भाई भूख लगी थी, बैग में मैं लेके आया था अपने कुछ खाने के लिए, थोड़े मैंने ड्राई फ्रूट्स बाय किए थे और एक मैंने ये किए थे। मेरे साथ कुछ मेरे खाने वाले भी आ गए, ये है वो बैठे हुए, ये देखिए यार, ये लो भाई, ये लो, ठीक नहीं लग पड़ी। चलिए भाई खिला देता हूँ इनको भी कुछ, थोड़ा वीडियो की दिक्कत कर दी इसको। ओए ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई, चलिए भाई अभी ऑफ करता हूँ, थोड़ा कुछ खा पी लूँ फिर आगे ऑन करता हूँ कैमरे को। चलिए भाई थोड़ी खाना पीना हो गया हमारी बिल्ली मौसियों के साथ, अब इधर से निकलता जाता हूँ आगे फिर बाहर तक निकल जाऊँगा लगता है। देख लो भाई बेबी, दो रास्ते जा रहे हैं, एक तो ये दूसरा ये, इधर की चल चलता हूँ इधर की तरफ, इधर अगर नहीं कुछ लोग फिर तो इधर वाला रास्ता है ही। अकेला घूम रहा हूँ भाई इस जगह पे, कोई शेर वेर आ गया तो जान जाएगी बट यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती, अमेरिका की तरफ कनाडा की तरफ होती हैं चीज़ें, इधर वाली साइड यूरोप वाली साइड इन चीज़ों का इतना डर नहीं होता, कोई ऐसा इशू भी नहीं है डरने वाली। चलिए भाई आता आता आ गया हम सीधा ही बाहर घूम करके, याद है वहाँ से जब मैं शुरू शुरू में अंदर जाने लगा तो उन्होंने बोला घूम कर आना, खुद ही वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। बढ़िया रहा सिस्टम, काफ़ी मज़ा आया, होप आपको भी मज़ा आया होगा इस ब्लॉग में देख करके। तो रिक्वेस्ट यू है और एवरीवन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो सके, आपके लाइक से मुझे थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ मैं और मुझे कुछ नहीं ऐसा मिलेगा, बाकी
सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अपने यारों दोस्तों के साथ भी शेयर करना वीडियो को। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक ट्रैवल देसी बॉय है, और स्नैपचैट में अरुण शर्मा 1818 है, और फेसबुक में भी ट्रैवल देसी बॉय है। जहाँ पे भी मर्जी हो, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको जाके फॉलो कर लीजिए। और होप वीडियो अच्छा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर, अपने घर वालों का अपना ध्यान रखिएगा।